वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिक। आज हम अंडा करी बनाए हैं। यह अंडा करी पनीर और मटर के साथ बनेगा। यह अंडा करी कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है, जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में टेस्टी। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अंडा करी बनाने के लिए एक पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल जब हीट हो जाएगा तो उसमें हम पनीर को डाल देंगे और इनको हम तल लेंगे। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन कलर आने तक इनको तल लेंगे और इसमें हम अंडा को भी तल कर निकाल लेंगे। इसके बाद उसी पैन में हम ऑयल में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इनको हम भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें हम मसालों को डालेंगे। एक छोटा चम्मच गर्म मसाला, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर और एक छोटा चम्मच हम चिकन मसाला डालेंगे, जिससे अंडा करी में एक अलग टेस्ट आएगा। और मसालों को भी हम कुछ देर भून लेते हैं। मसालों को भूनने के बाद इसमें हम मटर डाल देंगे। यह फ्रोजन मटर है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट इनको भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अंडा करी का ग्रेवी जितना गाढ़ा या पतला बनाना चाहें उस हिसाब से पानी डाल देंगे। मटर हमारे भूनते ही पक जाते हैं, उस हिसाब से इनको हमें अब ज़्यादा पकाना नहीं है। ग्रेवी डालने के बाद इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं और इनको हम बॉयल होने देंगे। आप चाहें तो ढककर बॉयल करें या ओपन बॉयल करें। जब ग्रेवी बॉयल होने लगेगा तो उसमें हम अंडा को डाल देंगे। अंडा को कुक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सभी अंडा को हम ग्रेवी में डाल दिए हैं। इनको कुछ देर अच्छे से चलाकर ग्रेवी में गर्म करेंगे। 1 मिनट बाद हम इसमें पनीर को भी डाल देंगे। सभी पनीर को हम अंडा के ग्रेवी में डाल दिए हैं और इनको हम 5 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे, जिससे पनीर और अंडा में मसाला और नमक का टेस्ट आ जाए। इस तरीके से हमारा पनीर मटर अंडा करी बनके तैयार है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और फायदेमंद हमारा अंडा करी है और बनाने में बहुत ही इजी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।